साका ननकाना साहिब के शहीदों को समर्पित एक धार्मिक दीवान गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में करवाए गए। इसके साथ ही शहीदों की याद में निर्माण किया गया सिख मिशनरी कॉलेज में भी एक धार्मिक दीवान सजाए गए। मंजी साहिब दीवान हाल में हुए समागम में रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए, जिसके बाद कीर्तनी जत्थों कथावाचकों डाढ़ियों ने गुरुजास के साथ संगतों को निहाल किया। सिख मिशनरी कॉलेज में हुए समागम के दौरान अलग अलग बुलारों ने इन शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए कौम को इनसे सबक लेने के लिए प्रेरित किया। बड़ी संख्या में सिख विद्यार्थियों ने इस साके के इतिहास की जानकारी हासिल की। मैं सरवण सिंह प्रचारक, धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अर्ज करदा जी, अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो ननकाना साहब का शहीदी साका है वो बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा। गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे जो अज के दिन सन 1921 ईस्वी जो भैड़ा करम जो कृतियाँ महंत नारायण दास गुरद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब विखे करता पिया सी, गुरु के खालसे ने उस दिया कृतियां बंद करने लई, उहदे भैड़े करमां नूं बंद करने लई बहुत सारे सिंघां समेत अज दे दिन महान कुरबानियां दित्तियां ने। सरदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली जो महान गुरु के श्रद्धावान सन सिख सन, वो गुरु ताबिया विच बैठे हुए सन। बाकी खालसा जो गुरु के लाल ने वो गुरद्वारा जन्म स्थान विखे विराजमान सन। महंत अते इहदे बदमाशा ने बहुत सारे होर महंता ने इलाके विचों जो भैड़े आदमी इकट्ठे किए सन, उन्होंने मिट्टी का तेल पा पा के जिमें बंदूकों दिया गोलियां नाल जिमें छवियां गड्डासियां नाल खालसा पंथ नूं शहीद किया। सिख कौम अज उन्हां महान शहीदां नूं याद करती है और हर साल गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे उन्हां शहीदां दी याद विच अखंड पाठ साहब रखे जाते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उचेचे तौर पर उन्होंने शहीदों को याद करती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।